ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस देख रहे हैं, तो हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या समझा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस असल में द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज आर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ए न्यू सोर्स दैट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, एंड द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड ग्लूकोज, न्यू मीन न्यू एंड जेनेसिस मीन सिंथेसिस। लाइक द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ए न्यू सोर्स, दैट न्यू सोर्स माइट नॉट बी कार्बोहाइड्रेट, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। वो क्या होंगे वो अभी हम देखेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं। वो सोर्सेस हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे पास, उनकी लिस्ट अभी हम लोग देखेंगे। तो हमारी बॉडी में जाहिद जुबैर कह रहे हैं आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही मेरी आवाज, आ रही है किसी को? यस सर, क्लियर है सर। अच्छा क्लियर है, क्योंकि बास बच्चे कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सो फोकस करें, मोहम्मद कामरान अपना माइक ऑफ कर दें, सरोजा नौरीन अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। अब हम लोग देखते हैं कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की बॉडी को जरूरत क्यों पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि आया ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होती क्या है और हमारी बॉडी को ग्लूकोनियोजेनेसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो याद रखें, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जिनको कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की सप्लाई हमेशा रहेगी, वो किसी और चीज के ऊपर फीड नहीं करते, वो किसी और चीज को एज ए एनर्जी का सोर्स नहीं ले सकते, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ही अपने एनर्जी का सोर्स लेंगे। उनमें ऑर्गन्स हैं ब्रेन, ब्रेन सर, ब्रेन, उसके अंदर है ब्रेन, ठीक है। एक हो गया ब्रेन, दूसरा कौन सा ऑर्गन है? आई, आई में लेंस और कॉर्निया, हमारा आई, इसको भी ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए। किसकी सप्लाई चाहिए? ग्लूकोज की, ग्लूकोज की। और कौन सी चीज है जिसको कि डायरेक्ट ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए हर टाइम, उनको फंक्शन करने के लिए किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं है? बिल्कुल कहा, किडनी का मजूला, मेडुला आपकी किडनी को भी क्या चाहिए? ग्लूकोज की सप्लाई। इसके अलावा भी कुछ चीजों को कि ग्लूकोज की रिच सप्लाई हमेशा चाहिए, और वो है हमारे आरबीसी। इसके अलावा भी एक और चीज है जिसको के हमारे ब्लड की सप्लाई क्रूशियली चाहिए, और सॉरी ग्लूकोज की, और उसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस को भी हमारी ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए, और बास टाइम पे हमारे मसल्स को भी, जब वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में हमारे मसल्स को भी ग्लूकोज की सप्लाई क्रूशियल चाहिए। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन, मेडुला ऑफ द किडनी, आई, लेंस, कॉर्निया, आरबीसी, टेस्टिस, मसल इन एक्सरसाइज कंडीशन। ये वो ऑर्गन्स हैं जिनको, जो बड़े लाडले हैं, जो बड़े नाजुक हैं, और इनको सॉरी ग्लूकोज चाहिए, हमेशा चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो बॉडी ने अपने पास एक ऐसा मैकेनिज्म रखा हुआ है कि जिससे वो इमरजेंसी में ऐसी चीजों से भी ग्लूकोज बनाए कि वो क्या बना सके, वो उनको एनर्जी की सप्लाई मिल सके।
तो बॉडी ने इन ऑर्गन्स के अपने लाडले ऑर्गन्स के लिए क्या किया हुआ है, अपने लाडले ऑर्गन्स के लिए ग्लूकोज की सप्लाई को बरकरार रखने की खातिर ग्लूकोनियोजेनेसिस रखा हुआ है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस जी सर, ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये तो मोस्टली लीवर में पाया जाने होता है ना, ये प्रोसेस कौन सा सर? ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये मोस्टली लीवर में होता है ना? जी जी जी, मैं भी इस बात के ऊपर नहीं आया कि ये कहाँ हो रहा है। तो फरीहा ने हमें लुकमा दे दिया है, तो अब मैं ये बता देता हूँ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होता कहाँ है, ये मैं अभी पूरी डिटेल में बताऊंगा, पूरी डिटेल इसके ऊपर आ रही है। तो परीहा ने हमें बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये हो रहा कहाँ है, ये लिवर के अंदर हो रहा है, लिवर में भी हेपेटोसाइट्स के अंदर हो रहा है ये। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो साइट है ग्लूकोनियोजेनेसिस होने की, वो है लिवर। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स को ग्लूकोज की रिच सप्लाई चाहिए, इनको इसके लिए हमारी बॉडी ने एक सिस्टम रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नीड बेस, ये नीड बेस है, ये खुशी से नहीं हो रहा होता, ये नीड बेस है। यानी आप ऐसे समझे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस एमरजेंसी है। हमारी बॉडी में एमरजेंसी कब नाफिस होती है? हमारी बॉडी में इमरजेंसी नाफिज होती है जब हम लोग रोजे रख रहे होते हैं रमजान में, ठीक है? रमजान जब आता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। क्या होता है? स्टार्वेशन शुरू हो जाती है। स्टार्वेशन में सबसे पहला ऑर्गन जो हमें चीज सप्लाई करेगा ग्लूकोज, उसके पास है रिजर्व्स, वो कौन सा ऑर्गन है? वो है हमारे पास लिवर। लिवर क्या करेगा? सबसे पहले लिवर डिप्लीट करना शुरू करेगा अपने ग्लाइकोजन रिसोर्सेस को सबसे पहले। तो जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगी और ग्लूकोज अपनी सारी करेंसी खत्म कर लेगा, तो उसके बाद वो मसल्स को कहेगा भाई अब आप शुरू हो जाओ। जब मसल्स अपने रिजर्वायर खत्म कर लेगा तो फिर वो फैट्स को कहेगा अपने रिजर्वायर शुरू कर लो। जब वो भी खत्म कर लेगा तो फिर उसके बाद वो किडनी को कहेगा कि अपने रिजर्वायर शुरू कर लो। तो बॉडी में ये स्टेप वाइज ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म होता है जिसमें कि वो ग्लूकोज की सप्लाई देने के लिए ऐसे ऐसे फंक्शंस करते हैं जो कि ग्लूकोज की प्रोविजन कर सके। अब एक वक्त ऐसा आता है कि जब स्टार्वेशन कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो कोई और चीज सप्लाई करना बंद कर दे और बंदा हाइपोग्लाइसिमिक स्टेट में चला जाए। हाइपोग्लाइसिमिया इसे कहते हैं कि ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए। नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज बॉडी में कितना है? ब्लड का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना है? आप लोगों से सवाल है। जी कितना है बॉडी का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना है? आप लोगों को ब्लड बॉडी का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल नहीं आता तो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ा फिर आप लोगों ने? जीपीसीएमएस पिशावर बॉडी का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या है सर? 7.8 140 मिलीग्राम डेलीलीटर। क्या चीज? 7.8 है, कितने है सर? क्या कर रहे हो? 7.8। आर यू ए डॉक्टर? अंबिया ने बिल्कुल सही लिखा, रैंडम ग्लूकोज लेवल 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये सिर्फ पिशावर के बच्चे जानते हैं, ठीक है? रैंडम में और फास्टिंग में फर्क होता है। Very nice, Ambia. Thank you for your input. Random glucose level जो है, और ये fast नहीं होता, fasting होता है. Fast तो मज़ी को बोलते हैं. आप English की class यहाँ पर ना लेकर आए गए. It's fasting, not fasting. Are you from Sabar? This is called fasting.
फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी अगर हम लोग 1 डेसीलीटर ऑफ द ब्लड लें, 1 डेसीलीटर ऑफ द ब्लड आप किसी के वेन में से निकालते हैं, तो जब 1 डेसीलीटर लेंगे तो उस 1 डेसीलीटर के अंदर 90 मिलीग्राम ऑफ द ग्लूकोज होना चाहिए। तो अगर किसी बंदे का सुबह उठ के कितना 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड ग्लूकोज हो, इट्स परफेक्ट। तो जब हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन होता जाता है फास्टिंग में, स्टार्वेशन में, जब बंदा रोजे रखता है या बंदा जब उसका ग्लूकोज लेवल डाउन होता जाता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में चला जाता है, उसकी बॉडी काम करना छोड़ देती है, उसका दिमाग काम करना छोड़ने लग पड़ता है, उसकी आंखों की नजर धुंधली होने लग पड़ती है, उसका जिस्म कपकपाने लग पड़ता है। दैट इज द पॉइंट व्हेन द नीड बेस्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर। सो ये वो चीज है कि जिसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल सोचता रहता हूं कि मैं आप लोगों को एग्जांपल्स क्या दूंगा। सो टुडेज एग्जांपल इज के दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, दूसरे मुल्कों में जब इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंस के लिए जो रास्ता है ना, वो वन वे जो सड़कें होती है ना, उसको भी वो एम्बुलेंस के लिए उल्टे रास्ते पे भी शुरू कर लेते हैं। तो जब वो लोग एम्बुलेंस को उल्टे रास्ते से शुरू करते हैं, दैट इज नीड बेस्ड, यानी अब एम्बुलेंस जो है तो किसी भी सड़क के ऊपर किसी भी तरीके से जा सकती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बॉडी में बिल्कुल ऐसे ही होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें जो इरिवर्सिबल रिएक्शन थे वो भी रिवर्सिबल जाने लग पड़ते हैं। रिवर्सिबल इन द सेंस कि ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं कि वो उसको उल्टा कर देते हैं। यानी ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1 बेस फास्फेट बना, फ्रक्टोज 1 बेस फास्फेट टूटा, डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट बना, ग्लिसरल 3 फास्फेट बना, इस तरह से नीचे जाते 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 पाइरुवेट बन गया। पाइरुवेट एसिटाइल को ए के साथ एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल को ए जो भी हुआ उसके बाद जो है, तो हमारे पास इसमें कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन थे, कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन थे। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करेगा कि पाइरुवेट को उल्टा करेगा, दोबारा जाओ ग्लूकोज बनाओ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाओ, हमें ग्लूकोज की जरूरत है। तो जब ये रिवर्स होता है ना, तो बाज जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो तो स्टक हो जाते हैं, वो कहते हैं What we are supposed to do? I cannot convert myself from this position. तो वो फिर ऐसे एंजाइम आते हैं that are supposed to do a very specific action that is called a reverse action. That reverse action is only permitted in gluconeogenesis and not in any other organ or in any other metabolic pathway. तो याद रखें ये बहुत special pathway है। इसमें हम लोग ऐसी चीजें पढ़ेंगे, हम लोग जब दूसरे लेक्चर में इसके रिएक्शंस देखेंगे तो ऐसे रिएक्शंस होंगे कि जो बड़े फेमिलियर है आपके साथ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे और आप कहेंगे ये तो उल्टे चल रहे हैं। यानी ग्लाइकोलिसिस आप पहले सीधा पढ़ रहे थे, कल हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को उल्टा लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमें ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज किसके लिए चाहिए? इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। अगर इनके लिए ग्लूकोज नहीं होगा, आंखों से दिखेगा नहीं, आरबीसी चलेगा नहीं, ब्रेन नहीं काम करेगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे, मसल अकड़ जाएंगे, बैड डेथ, इट्स कॉल्ड डेथ। अगर ये सब शुरू हो गया तो बस, तो मौत आ गई। समझ आई बात की? सो हमारे पास जब ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होता है, तो मैं इसके लिए आप लोगों को, जैसे कि हमें फरीहा ने एक लुकमा दिया और कहा कि सर ग्लूकोनियोजेनेसिस तो लिवर के अंदर होता है, तो हम इसकी बात को सही समझ लेते हैं कि ये लिवर के अंदर होता है। इट्स लिवर। लिवर के अंदर भी कहां होता है? लिवर के अंदर ये होता है, लिवर के हेपेटोसाइट के अंदर। मैं हेपेटोसाइट बड़ा बना रहा हूं, ठीक है? हेपेटोसाइट के अंदर जब होता है, तो आप अगर यहां पर देखें तो लिवर को एक ब्लड की सप्लाई भी गई हुई है। ये देखें, ये ब्लड की वेसल है, ठीक है? तो होता यूं है
कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज डाउन हो जाए, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल गिर जाए, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल गिर जाए, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी में एक बड़ा यूनिक सा प्रोसेस होता है कि हमारे, सबसे पहले मैं यहां पर बना रहा हूं एक आर्गन, इस आर्गन को पहचानेंगे, ये है क्या, मसल, मसल, ठीक है, मसल के अंदर आप लोगों ने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, तो ग्लाइकोलिसिस में अगर आप लोगों को याद हो, जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको जरूर याद होगा कि ग्लाइकोलिसिस का एंड पॉइंट था पाइरुवेट, पाइरुवेट आगे जाके क्रिप्स साइकिल के अंदर कन्वर्ट होता था, ये पाइरुवेट यहां पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ और भी बनाता था, एनीबॉडी नो दैट, पाइरुवेट यहां पर एक और चीज बना रहा था, कोई जानता है वो क्या था, उस चीज का नाम था लैक्टेट या लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टेट असल में मसल के अंदर एकामुलेट कर लेता है, किसके अंदर, मसल के अंदर, जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि इमरजेंसी नाफिज होती है, रेड अलर्ट आ जाता है, बॉडी को एक नए सोर्स से ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज खत्म, बाकी कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले मसल कहता है मेरे पास एक चीज है, इसका नाम है लैक्टेट, लैक्टिक एसिड, क्यों ना इसको यूटिलाइज करें, तो हम लोग कहते हैं ठीक है लैक्टिक एसिड दो, तो हम लोग क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड को दोबारा से डीहाइड्रोजिनेज के जरिए NADH+, H+ जो इसमें यूज हुआ था, सॉरी, उसको दोबारा से यूटिलाइज कर लेते हैं, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है LDH, लड़के जानते हैं, कल मैंने लड़कों को एक पोस्ट में टैग किया था कि कल मैं इस एंजाइम के बारे में बताऊंगा, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, याद आए, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम है जो लैक्टेट को पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है, और पाइरुवेट रिवर्स होके ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है और ग्लूकोज बनाता है, तो ये एक स्टेप है, जस्ट एक एग्जांपल है कि हमारे पास लैक्टेट से कैसे ग्लाइकोलिसिस रिवर्स होके दोबारा से ग्लूकोज बनाते हैं, तो हमारे पास लैक्टेट एक सोर्स है कि जिसके जरिए क्या बनता है, जिसके जरिए क्या बनता है, ग्लूकोज, दूसरे कौन से सोर्स है, दूसरे सोर्सेज में हमारे पास क्या है, दूसरे सोर्सेज में हमारे पास ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स, जिनमें सबसे बड़ा नाम एलेनिन है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ये जस्ट आप अपने पास नोट कर लीजिए, कौन सा सोर्स है, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स, दूसरा है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल लिपिड्स हैं, और ग्लिसरॉल में भी हमारे पास कौन से वाले फैटी एसिड्स होंगे, इसके साथ ऑड चेन, ऑड चेन फैटी एसिड, ऑड चेन जानते हैं, एक तो वर्ड होता है ना, एक तो वर्ड होता है कौन से वाला, ऑड, आप बड़े ऑड देख रहे हो, ये चीज बड़ी ऑड लग रही है, ऑड मीन के बुरा लगना, बहुत अजीब लगना, लेकिन ऑड होता है, एक होता है जोफ्त और एक होता है ताक, ऑड और इवन नंबर्स जो होते हैं, तो इसकी जो फैटी एसिड है वो ऑड चेन होती है, और वो ऑड चेन फैटी एसिड प्रोप्योनेट होती है, तो हमने देखा कि हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो प्रिकर्सर्स हैं, प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस आर लैक्टेट, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स लाइक एलेनिन, ग्लिसरॉल्स, ग्लिसरॉल्स के अंदर भी ऑड चेन जिनमें के प्रोप्योनेट आता है, तो बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस के दौरान जिन चीजों का सहारा लेती है उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, लैक्टेट है, लिपिड्स हैं जिनमें के
जनाब अली ग्लिसरोल्स और आर चेन प्रोप्योनेट आता है, और कुछ एमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारे हैं, एलेनिन के अलावा भी हैं, कल बताऊंगा मैं आप लोगों को, उनको बोल देते हैं ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड्स। ग्लूकोजेनिक, ग्लूकोज बनाने वाले। तो ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड्स एक्चुअली हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारी मदद करेंगे। ठीक हो गई बात? तो आप लोगों ने जो चीज समझनी है आज के लिए, वो आज मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही समझा रहा हूँ, कल मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा ताकि आप लोग आज कंफ्यूज ना हो। तो हम लोगों ने आज पढ़ा कि व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाई ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर, व्हाई वी नीड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो वी नीड इट इन नीड बेस, वी नीड इट व्हेन आवर बॉडी इज स्टार्विंग, वी नीड इट व्हेन देयर इज नथिंग टू मेक ग्लूकोज एंड टू मेक एनर्जी फ्रॉम दैट ग्लूकोज, and we need glucose to make energy, we need glucose ke hame ye glucose chahiye ke isse hum log ye kaam kare, yani iski aasan example main aap logo ko deta hu, isse achhi example koi bhi nahi hai। hamare paas jab ghar mein paise hote hain to hum log wo paise dekar aur cheeze khareedte hain jaake, jab is pandemic ki surat hal mein jab hamare maa baap ke paas paise khatam ho jate hain, theek hai, khuda na khasta, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आए ये कुर्सी बेच लेते हैं, ठीक है, मैं कुर्सी बेच लेता हूं। क्यों? ये कुर्सी किसी को बेच के, कबाड़ को बेच के जो मुझे चीज मिलेगी वो होगा 100 रुपए। उस 100 रुपए से जाके मैं गंदम खरीद सकता हूँ, मैं उस 100 रुपए से जाके चावल खरीद सकता हूँ, क्योंकि कुर्सी से, इस कुर्सी से मुझे कोई भी चावल नहीं दे सकता। आप ये कुर्सी लेकर जाए दुकानदार को कहें मुझे इससे चावल दे दो, वो आपको नहीं देगा, वो पागल समझेगा आपको। बट यू हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू कैश मनी, एंड दैट कैश मनी इज इन कबाड़ी हाउस। तो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग अपने जिस्म का कबाड़ उठाते हैं और वो जाके हम कबाड़ी में बेचते हैं, और उससे हम लोग ऐसी चीज लाते हैं जिससे हमारी जरूरत पूरी हो। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज समथिंग विच मेक glucose from any other non-carbohydrate source। Hope कि आप लोगों को आज के लेक्चर की बेस समझ आ गई होगी कि हम कल क्या पढ़ेंगे। So be ready tomorrow because tomorrow we are having some kind of chemical reactions। Okay? Any question? हमारे पास एक मिनट है, इसके बाद कॉल ड्रॉप हो जाएगी। सर जी, जी सर, ये जो आपने अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमीनो एसिड पढ़ा, इसमें भी अमीनो एसिड होते हैं ना? जी सॉरी, मुझे आपकी आवाज की समझ नहीं आई कि ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। सर आपने अभी अमीनो एसिड के बारे में बता दिया कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमीनो एसिड एंड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फ्रॉम सर, ये जो आपने इसके नाम बता दिए सर, इसमें अमीनो एसिड अपने होते हैं, ग्लिसरॉल अपने होते हैं ना? जी जी, इसके अपने अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि एलेनिन हो गया और दूसरे अमीनो एसिड्स मैं आपको लोगों को कल बताऊंगा। ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हैं, सारे अमीनो एसिड नहीं करते, ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनको कि हम लोग ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं, इनकी अपनी कैटेगरी है, ठीक है, हर अमीनो एसिड नहीं करता। ग्लिसरॉल में भी सारे ग्लिसरॉल नहीं करते, सिर्फ ऑड चेन फैटी एसिड वाले ग्लिसरॉल ही करेंगे, ठीक है।